विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन आत्मनि मायाः बहिर्बोधभूतम यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम् एवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में बताते हैं संसार मिथ्या कैसे है। ठीक है, संसार मिथ्या कैसे। सवाल इस बात का है कि आप इस संसार को मिथ्या चाहे समझें चाहे न समझें, संसार मिथ्या है। ये अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है, आप मिथ्या मत मानो। तो इसके लिए दूसरे रास्ते भी हैं, आप इस संसार को सत्य मान लो, ये भी एक रास्ता है। लेकिन यहाँ एक समस्या आएगी, वो क्या है, जब आप ईश्वर, जब आप ईश्वर को निराकार ईश्वर या ब्रह्म की खोज करेंगे तो एक बात निकल आएगी कि ये सब ब्रह्म ईश्वर आदि तो इस संसार से परे हैं, है ना। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये संसार ही सब कुछ है तो आप तो जड़वादी भोगवादी हो गए, ईश्वर या ब्रह्म की बात ही मत करो। इस संसार को सत्य मानने पर ईश्वर इससे पृथक हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, ये द्वैतवाद का रास्ता है। ठीक है, आपका भगवान, आपको भगवान को अपना पिता माता मित्र पर या यशोदा की तरह बेटा बनाना पड़ेगा राधा जी के लिए, हैं, जैसे भगवान एक प्रेमी के रूप में है। ठीक है, ये भक्ति मार्ग है द्वैतवाद। ठीक है, एक और रास्ता हो सकता है आपका, वो है इस संसार को सत्य भी माने तथा भगवान का रूप भी मान लें, यानी पूरा संसार सत्य है और भगवान का ही ये रूप है संसार। इसको विशिष्ट, इसको कहते हैं विशिष्टाद्वैत, श्री रामानुजाचार्य का सिद्धांत। ठीक है, ये सब दार्शनिक पद्धतियां हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि केवल गॉड या ईश्वर ही है और ये संसार कल्पित है यानी मिथ्या है। गॉड अलोन एग्जिस्ट, द होल थिंग इज एन अपीयरेंस इन गॉड। ओके, ठीक है, इन तीनों रास्तों में ईश्वर को सबसे ज्यादा महत्व कहाँ दिया गया है। पहला रास्ता मैं अलग, संसार अलग और ईश्वर अलग, यहाँ ईश्वर कुछ छोटा जान पड़ रहा, नहीं पड़ रहा। दूसरा रास्ता भगवान हर रूप में और हर जगह हैं, ईश्वर टुकड़े टुकड़े होकर विराजमान है। तीसरा रास्ता केवल ईश्वर की ही सत्ता है, ये सारा संसार इसमें कल्पित है, मिथ्या है। ये अद्वैत वेदांत है दर्शन के, या अद्वैत वेदांत है दर्शन के या फिलॉसफी के अनुसार ठीक है, लेकिन जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है। अच्छा, ये संसार सत्य क्यों दिखाई दे रहा है। होता क्या है कि जब आप इस दिखने वाले संसार को मिथ्या कहते हो, जैसे रस्सी में सांप दिख रहा है, यहाँ पर क्या अर्थ निकला कि ये सांप मिथ्या है लेकिन रस्सी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मिथ्या यानी कुछ भी नहीं, शून्य। मिथ्या का मतलब शून्य नहीं है। जब एक साधारण व्यक्ति इस संसार को सत्य समझता है, वहीं पर ज्ञानी पुरुष इसको ब्रह्म या ईश्वर के रूप में देखता है। यहाँ पर ये देखना है, समझना है कि ये संसार मिथ्या है लेकिन इसके पीछे सत्य है। सत्य क्या है, वही ब्रह्म है। वो ब्रह्म कहाँ है, वहीं जहाँ कल्पित संसार है। रस्सी कहाँ है, वहीं पर जहाँ सांप है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि अतस्मिन तद्बुद्धि, जो नहीं है वो दिखता है, सांप नहीं है लेकिन दिखाई देता है, वो सांप मिथ्या है लेकिन वहाँ रस्सी का अस्तित्व है। आप संसार देखते हैं, वहीं पर सत्य है, ब्रह्म है, आत्मा है। इस अद्वैत वेदांत का लाभ क्या है, अच्छा ये आपको सीधा सत्य तक पहुँचा देता है। सबसे बड़ा लाभ, जब आप अपने को एक क्षुद्र मनुष्य समझते हो तब गलत हो आप। ठीक है, आप ब्रह्म हैं, आप अपने मैं का पर विचार करो, मैं कौन, रिसर्च करो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब इस संसार को मिथ्या, जब तक आप इस संसार को मिथ्या नहीं समझोगे तब तक ईश्वर गार्ड को दूसरी जगहों में ढूंढते रहोगे कि नहीं रहोगे। अच्छा, दूसरा लाभ क्या है, ये हम सब इस संसार से चिपके रहते हैं, इसमें फंसे रहते हैं। पहले यही मूल कारण है कि संसार से लगाव बहुत है, यही हमें इस संसार को मिथ्या नहीं समझने देता। अद्वैत दर्शन में
कोई कमी त्रुटि नहीं है, अद्वैत दर्शन बहुत कठिन नहीं है, इसको समझना बहुत आसान है। बहुत से जिज्ञासु लोगों को मैंने यह अद्वैत दर्शन समझाया, वे समझ भी गए, लेकिन एक बहुत अंतर है, वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलॉसफी एंड रियलाइजिंग इट। ठीक है, ये दोनों में बहुत फर्क है, समझना अलग बात है तथा रियलाइजेशन, अनुभव, आत्मबोध, ये अलग है। ये कैसे पता चलेगा? अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि हम पूर्णतया समझ गए और हमको आत्मबोध हो गया, अनुभव हो गया, ये आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए एक टेस्ट है, अपनी परीक्षा करें। कैसे? पहला, क्या आपके सारे दुखों का अंत हो गया है? क्या अब दुख का अनुभव नहीं है? ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा, क्या अब आपको कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा समाप्त हो गई है? ठीक, ये दो पॉइंट है। टेस्ट योर सेल्फ, ठीक, आर यू ट्रूली बियॉन्ड द सॉरो, आर यू ट्रूली फुलफिल्ड। ठीक है, अगर ये अनुभव आपको नहीं हुआ, इसका अर्थ है आपने समझ तो लिया है, बोध या अनुभव नहीं हुआ है। सर्टेनली इट्स नॉट रियलाइजेशन, ये डिज़ायर कुछ पाने की इच्छा, यही रोड़ा है, हर्डल है। इसी डिज़ायर को, भोगे इच्छा को जड़ से काटने के लिए रामबाण उपाय है संसार को मिथ्या समझना। अच्छा, ये सबका अनुभव है कि ये संसार क्षणिक है, हमेशा बदलता रहता है और एक दिन नहीं रहेगा, लेकिन इतना समझाने पर भी हमारा संसार से लगाव, जो अटैचमेंट है, समाप्त नहीं होगा। हमें मान लीजिए आईफोन चाहिए, है थोड़े समय के लिए उपयोग करने के बाद दूसरा ले लेंगे, यानी क्षणिक आनंद चाहिए। आपको मालूम है कि जीवन टेम्पररी है, फिर भी हमें टेम्पररी आनंद चाहिए। हमें पता है कि जीवन क्षणिक, एक दिन नहीं रहेगा, ये जानते हुए भी पाने की इच्छा, भोगने की इच्छा खत्म नहीं होती। अगर आप विचार पूर्वक ये निश्चय कर लें कि ये संसार मिथ्या है, तो आप देखेंगे भोगेच्छा, कुछ पाने की इच्छा तुरंत समाप्त हो जाएगी। ये मैं आपको पढ़कर नहीं बता रहा, बल्कि अपना अनुभव बता रहा हूँ। दो चीज़ें तुरंत भाग जाएंगी, पहला करने या पाने की इच्छा समाप्त, दूसरा फियर, भय समाप्त हो जाएगा, आप निर्भय हो जाओगे। आप स्वप्न में भोग और भय दोनों का अनुभव करते हैं कि नहीं करते? लेकिन जगने के बाद आपको सब कुछ याद तो रहता है, लेकिन भय नहीं रहता। क्यों? क्योंकि स्वप्न मिथ्या था। ऐसे अनुभव आपको हुआ कि नहीं हुआ? आप कोई हॉरर मूवी मान लो देखते हैं, तो उस हॉरर को भी इंजॉय करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि आप ये समझते हैं कि ये मूवी है मिथ्या। ठीक है, अगर मूवी में कोई ट्रेजेडी है, दुखद घटना है, तो आपके आंसू निकल सकते हैं, फिर भी आप मूवी को एंजॉय करते हैं। क्यों? इसलिए कि आप ये समझते हैं कि ये मूवी मिथ्या है। यही लाभ है अध्यात्म जगत में संसार को मिथ्या समझना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप सभी इस जगत को मिथ्या समझें, इसके अलावा भी दूसरे रास्ते हैं। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, यू विल एस्टॉनिश्ड, कि पूरे भारतीय दर्शन में केवल अद्वैत वेदांत ही संसार को मिथ्या समझता है, मिथ्या मानता है। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन संसार को सत्य मानता है, सांख्य दर्शन संसार को सत्य मानता है, पातंजलि योग दर्शन संसार को सत्य मानता है, पूर्व मीमांसा दर्शन संसार को सत्य मानता है, केवल अद्वैत वेदांत में संसार को मिथ्या माना जाता है। दूसरे वेदांत जैसे द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत सभी संसार को सत्य मानते हैं। केवल अद्वैत वेदांत में केवल आत्मा है और ये संसार उस आत्मा में कल्पित है। दिस वर्ल्ड इज अनरियल और एन अपीयरेंस, ठीक है, एंड कॉन्सियसनेस अलोन टू बी रियल। अद्वैत वेदांत और बौद्ध धर्म में कुछ चीजें कॉमन है, ठीक है, दोनों में है, कॉमन है दोनों में, इसलिए दूसरे भारतीय दार्शनिक विचारधारा के लोग आदि शंकराचार्य को प्रचंड बौद्ध कहते हैं, क्रिप्टो बुद्धिस्ट, हिडन बुद्धिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये अधिकतर द्वैतवादी आदि शंकराचार्य को मायावादी कहते हैं। आजकल के द्वैतवादी आचार्य लोग तो मायावाद का सही अर्थ ही नहीं जानते, ऐसे ही मायावाद मायावाद, उनको मायावाद के बारे में कुछ नहीं पता है। मैंने बहुत बड़े बड़े आचार्यों से बात की है, जिनसे मुझे पता चला था, वेदांत में असत या मिथ्या शब्द में वस्तु को नकारते नहीं, अपितु ये जो चीज है अपितु ये अनिवर्चनीय है, ठीक है।
इनएक्सप्रेसिबल, कि ये लोग जो मायावाद मायावाद कहते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है, अभिप्राय क्या है मायावाद में, बिल्कुल नहीं समझते हैं। जबकि आदि शंकराचार्य के ग्रंथों में मायावाद है ही नहीं। आपको आश्चर्य होगा जब आप ये तर्क करते हैं कि हमें तो संसार दिखाई पड़ रहा है, ये मिथ्या कैसे है, तो फिर आचार्य शंकर माया कहकर समझाते हैं कि एक्चुअल में तो आत्मा ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं। एक बार अब केवल आत्मा ब्रह्म, एक बार बनारस के एक बहुत बड़े सन्यासी श्री रामानुजाचार्य से संयोग से हमारी बातचीत हुई, ठीक है। वहाँ पर एक बहुत भव्य श्री कृष्ण जी की बिहारी जी की एक प्रतिमा थी, बहुत भव्य प्रतिमा थी उनके यहाँ। तो मैंने उनसे पूछा कि महाराज ये देखो बिहारी जी के चरण कमल कितने सुंदर हैं। बोले हाँ बहुत सुंदर हैं। तो हमने उनसे पूछा क्या ये अपने अंगूठे के नाखून से हम सबको देख रहे हैं। वे बोले क्या मजाक कर रहे हैं आप, कहीं अंगूठे के नाखून से कोई देखता है। मैं ये सुनकर चुप हो गया और सोचने लगा इन महात्मा जी को, महाराज जी को अपने ही संप्रदाय विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत के बारे में ही जानकारी नहीं है। तो आज के आचार्यों को आप अपने ही संप्रदाय के सिद्धांत की ठीक से जानकारी नहीं है, ये दूसरे संप्रदाय अद्वैत वेदांत के बारे में क्या जानेंगे, क्या जानते होंगे, केवल मायावाद मायावाद की को सुनकर बोलते रहते हैं। अच्छा चलो समय है, थोड़ा दार्शनिक पक्ष बता देते हैं, सत्य और मिथ्या की परिभाषा क्या है। सत्य क्या है, अबाधत्वम सत्यत्वम, मतलब जो किसी भी देश काल वस्तु अवस्था में जिसके नास्तित्व का नहीं होने का, ठीक है, बोध ना हो उसका नाम सत्य है। श्रुति कहती है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब मिथ्या क्या है, मिथ्या का मतलब स्वभावाधिकरणे भासमानात्वम मिथ्यात्वम, अर्थात जो वस्तु जहाँ भासती है यदि वो वहाँ नहीं है तो वो वस्तु उसमें मिथ्या होती है। इसको ऐसे कह सकते हैं कैसे कि अपने अधिष्ठान सबस्ट्रेटम में जहाँ जो वस्तु दिख रही है उसी अधिष्ठान में उसका अत्यंता भाव रहता है, इसलिए वो मिथ्या है, इसलिए संसार को मिथ्या कहा गया है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको इस वीडियो से कि संसार एक्चुअल मिथ्या समझे कि ना समझे, इससे फ़ायदा है कि नुकसान। ठीक है, कृपया इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति शांति।